जो हमारी जात की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। हमारे समाज को ज्यादा से ज्यादा टिकट देगा उस पार्टी को हम वोट देंगे। क्षत्रिय समाज को जो दूसरे समाजों की रक्षा करने के लिए खड़ा रहता था, आज उसको अपनी रक्षा करने के लिए सरकार से। देश का अनूठा गुरुकुल केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज व स्पोर्ट्स अकेडमी में एडमिशन के लिए विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। हाँ जी, राम 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 राम। आज जो थे अठे पहुंचे हो, इसके पीछे के कारण है वो बताओ पहले तो। भाई क्षत्रिय समाज है वो राजस्थान में, जैसे 556 जो रियासतें थी इस भारत को बनाने के लिए, जब सब कुछ दान कर दिया था इस देश को बनाने के लिए, इस संविधान को जिंदा रखने के लिए, भारत को भारत बनाने के लिए क्षत्रियों ने जो अपनी कुर्बानी दी, और आज परिस्थिति ऐसी हो गई कि क्षत्रिय 75 साल में भी अगर उनकी आर्थिक स्थिति आज इतनी कमजोर हो गई, जिसके कारण आज क्षत्रिय समाज को जो दूसरे समाजों की रक्षा करने के लिए खड़ा रहता था, आज उसको अपनी रक्षा करने के लिए सरकार से अपने क्षत्रिय बोर्ड के गठन की मांग, जो न्याय की मांग कर रहा है, उसके लिए हम सारे के सारे जो क्षत्रिय पूरे राजस्थान और हमारे जो 26 प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सारे के सारे आज इस केसरिया महापंचायत में आए हैं। हमारी मांग है, जो सवर्ण समाज को लेकर भी है और क्षत्रिय समाज को लेकर भी है, क्षत्रिय समाज अपनी एक मांग रखता है और बाकी की सर्व समाज की मांग रखता है। क्षत्रिय समाज की क्या मांग है? सबसे प्रमुख मांग हमारी है कि जो सभी समाजों को जो बोर्ड का गठन किया गया है, वो क्षत्रिय समाज भी अपनी मांग रखता चाहता है कि हमारा भी एक बोर्ड का गठन किया जाए सरकार, और हमारे को उसमें न्याय दी जाए। अभी देखा तो बहुत सारा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो जो कभी तो देखा तो भाई केसरिया पहली तो जाट महाकुंभ हुई हो, फिर ब्राह्मण महापंचायत हुई, अब केसरिया महापंचायत, सब यहाँ अलग अलग कहीं लेके जा रहे हैं। सभी जाति का संबंध से है, अलग अलग सबकी है, अलग अलग सबकी मांगे हैं। क्षत्रिय समाज सबको साथ लेके, 36 कौम को साथ लेके चलता है, और हम ये मांग करते हैं कि बाकी का जो EWS मिला है 10%, उसको 14% किया जाए, और 14% के साथ साथ हमें जो केंद्र की जो हमारी सरकार है, राजस्थान की सरकार ने हमें भूमि और भवन संबंधी सारी शर्तें हटा दी है। हम मांग करते हैं केंद्र से, हमारी मांग ये है कि आप केंद्र में भी भूमि भवन संबंधी हमारी जो शर्तें लगी उनको तुरंत प्रभाव से हटाएं। नहीं तो पिछली बार हमने 2018 में मांग रखी थी कि हमारे जो बोर्ड का जो गठन है वो अभी भी मांग कर रहे हैं, आगे भी हम मांग करते रहेंगे। EWS में जो शिथिलीकरण है उसको तुरंत प्रभाव से सेंट्रल गवर्नमेंट हमें दे, उसमें छूट दे भूमि भवन संबंधी शर्तों में, जो हमारी केंद्र की सरकारी नौकरों में वो छूट नहीं है। आने वाला टाइम पर जो राजस्थान को मुख्यमंत्री है, बाकी देखना चाहूंगा मुख्यमंत्री हम ये नहीं, तो जो सर्व समाज की 36 कौम की बात करने वाला होता है हम उसको मुख्यमंत्री जाते हैं। हम जाति विशेष से हम मांग नहीं करते, क्योंकि हमारे भैरव सिंह जी शेखावत भी यहाँ पे राजपूत समाज से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। हमारी बात नहीं है कि जो सरकार जो जनता चाहती है और जनता के हित की जो बात करता है, हम उसको मुख्यमंत्री की बात करें, हम जाति विशेष से नहीं जोड़ते मुख्यमंत्री को। हमारी मांग ये है कि जो सर्व समाज और हमारे समाज की जो बात करेगा, जो हमारी जात की बात करेगा, हम उसकी बात करेंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम सर, राम राम। हम ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री को, हम ये नहीं बोलना चाहते हैं कि राजपूत समाज से मुख्यमंत्री बने, हम ये बोलना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी समाज से बने, लेकिन सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाला मुख्यमंत्री होना चाहिए और काबिल मुख्यमंत्री होना चाहिए, जनता के हित में फैसला लेने वाला मुख्यमंत्री होना चाहिए। और चुनाव के अंदर के कुछ थे नहीं करने वाला हो की बात? चुनाव के अंदर कुछ नहीं, जो हमारी हमारे समाज को ज्यादा से ज्यादा टिकट देगा उस पार्टी को हम वोट देंगे। तो टिकट की बात करा तो काफी लोग यहाँ बोले कि राजपूतान टिकट कौन मिल रही, तो टिकट के ऊपर थोड़ी ऊपर तो एक स्तंभ होना चाहिए कि राजपूत सब ने एक, तो राजपूत सब एक है, पूरा राजपूत राजस्थान के एक जाजों में बैठते हैं हमेशा। और आपस में बातचीत करा तो इतना लोग आए ही, महिला ही जाए ही, सुरक्षा की बात करा तो की तरीकाओं के करवाएंगे? सबसे पहले तो हम यही मांग रखेंगे आने वाली सरकार से, जो अभी वर्तमान में सरकार से है यहाँ राजस्थान के अंदर, महिला की सबसे सबको प्रायोरिटी से बात रखेंगे कि महिला की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। हाँ जी, राम राम।
राम जी बताइए। अभी जो थे जो केसरिया महापंचायत है अठे थे आया हो पता है कि भाई के कुछ का पीछे रीजन करवाए? पता है हमारे समाज की मांग है, राजपूत समाज की 14% आरक्षण की मांग है, उसको करने की है। जैसे सभी संगठनों के बना हो वैसे क्षत्रिय युवक संगठन का भी हमारे मांग है उसकी, और हमें हमारे जैसे जो भी हमारे संगठन की मांग है समाज की मांग है हम उसके साथ हैं सभी लोग।